बना रही थी तो चाय का बर्तन जो है वो मेरे हाथ से फिसल गया और पूरे स्टोव पे चाय जो है फैल गई और मेरा बर्नर ऑन था तो इस वजह से पूरी चाय जो है वो वहाँ पे जल गई और बहुत ही गंदा हो चुका है। मेरे पास इलेक्ट्रिक कॉइल स्टोव है तो इसको मैं आज क्लीन करने वाली थी तो मुझे आइडिया है कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि इंडिया में ये कॉइल स्टोव इतना ज़्यादा होता नहीं है, वहाँ पे बर्नर्स होते हैं, पर अगर आप यूएस में रहते हो तो आपको ये कॉइल स्टोव देखने मिलेगा। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे क्लीन करना है ये आपके साथ शेयर करूँ सो दैट अगर आप यूएस में रहते हो तो आपको हेल्प मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे जो जब आई थी तब मैंने ये कॉइल स्टोव देखा था तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसको कैसे क्लीन करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कॉइल स्टोव है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है इलेक्ट्रिक चीज़ों से के साथ से पानी के साथ खेलने से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि मैंने ये कॉइल स्टोव जो है वो कैसे क्लीन किया है। तो ये मेरा कॉइल स्टोव है तो बहुत ही गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने चाय जो है ऊपर ऊपर से थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, पर मेरा ये कॉइल स्टोव जो है बहुत ही हॉट था। मैं ऑलरेडी मैं वहाँ पे कुकिंग कर रही थी, सुबह टिफ़िन बना रही थी तो पूरी चाय जब इस पर गिरी तो पूरा वो जल गया और वहीं पे स्टिक हो गया। तो आज वैसे भी मुझे इसको क्लीन करना था क्योंकि दो दिन हो गए वो क्लीन करना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तड़का तेल बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर अभी आपको दिखेंगी। पहली बात तो ये है कि ये स्टोव और उसके जो बाउल्स हैं वो मैं निकाल के उसको पानी में डाल दूंगी थोड़ी देर सोक करने के लिए, डिश वॉशर सोप के साथ, और उसके बाद में ये जो टॉप है वो मैं क्लीन कर लूंगी। यहाँ पे ऐसे खींचेंगे तो इसको ये बाहर आ जाएगा। और ये जो बाउल्स है ये देख सकते हैं आप चाय यहाँ पे तो ये बाउल्स जो है वो मैं निकाल लूंगी। और जो भी आपका फूड जो है वो ओवरफ्लो होता है या फिर गिरता है वो सब यहाँ पे नीचे भी आता है। देखिए क्योंकि मेरा गैस जो है बहुत ही गर्म था तो नीचे आके ये पूरा ऐसे जल गया तो इसको मुझे क्लीन करना है। मैं आपको दिखा दूँ पहले कि ये कितना गंदा है अभी, तो मैं अभी सोक करने रखूंगी इसमें। आप ये भी सोक करने रख सकते हैं इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम वैसे भी इसको पूरा ड्राई होने के बाद उसमें इंस्टॉल करेंगे फिर से, तो इसको भी मैं इसमें सोक करने रख रही हूँ। और डिश वॉशर सोप डाल दूंगी मैं इसमें। अभी ये पार्ट को क्लीन करने के लिए आपको चाहिए होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप विनेगर और बेकिंग सोडा से क्लीन कर सकते हैं। आपको सिंपली करना ये है कि बेकिंग सोडा इस पे डालना है और विनेगर से थोड़ा थोड़ा ये करके स्क्रबर के साथ आपको इसको स्क्रब करके निकालना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इजी ऑफ ओवन क्लीनर। अगर आपका किचन टॉप जो है वो बहुत ही ग्रीसी हो चुका है, बहुत ज़रा ऑयल है उस पर, तो उसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है विनेगर और बेकिंग सोडा से भी। तो करना ये है सिंपली आपको इसको शेक करके इसके ऊपर स्प्रे करना है। और इसको उठा के नीचे के साइड भी आपको ये स्प्रे करना है।
आप आपका अगर ग्रीस बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो आप उसके लिए 2 आवर्स तक वेट कर सकते हैं। ये स्प्रे जो है पूरी तरह से उसको मेल्ट करता है, फिर आप जब स्क्रब करोगे तब बहुत ही ईजिली वो निकल जाता है। मैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक वेट करती हूँ क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, रेगुलरली क्लीन करती हूँ तो फिर वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। देखिए अगर ये वाला यहाँ पे मैंने स्प्रे किया हुआ है, इसके ऊपर मैं अभी घिसना स्टार्ट कर दूंगी तो आप देख सकते हैं ये निकलना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब देख सकते हैं यहाँ पे इससे आप ओवन और माइक्रोवेव भी क्लीन कर सकते हैं, जो भी ग्रीस है वो बहुत ही इजीली निकल जाता है इससे। करके वो क्लीन कर लूंगी।
अभी ये कॉइल्स क्लीन करने के लिए भी दो तरीके हैं, एक तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के इसका जो लिक्विड है इससे आप साफ कर सकते हैं, या फिर आप एज यूजुअल जो मैंने स्प्रे दिखाया था उस स्प्रे से भी सारे बाउल्स को और इसको स्प्रे करके उसको क्लीन कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। बर्नर्स जो है वो पूरी तरह से वॉश करने के बाद मैंने ये पूरा ड्राई किया है और उसके बाद मैंने फिर से इसको इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो पूरा क्लीन करने के बाद मेरा जो किचन टॉप है वो ऐसे दिख रहा है। पहले पूरा यहाँ पे सारा ग्रीस हो गया था, बहुत सारे स्टेन्स थे, अभी वो पूरी तरह से जा चुके हैं, तो मेरा जो किचन टॉप है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा मेरे वीडियोस। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय।